दिग्विजय शाह ने टीम इंडिया के नए हेड कोच को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल द्रविड़ जो मौजूदा हेड कोच हैं भारतीय टीम के, उनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप तक ही रहेगा और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और भारतीय टीम को मिलेगा नया हेड कोच। ये बयान आया है जय शाह की ओर से, ये ताज़ा खबर है, बड़ी अपडेट है। पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता दें कि क्या स्टेटमेंट है जय शाह का। उनसे सवाल पूछा गया था इसे लेकर के, हेड कोच को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल केवल जून तक है, इसलिए जब नए हेड कोच को लेकर के आवेदन मांगे जाएंगे BCCI की ओर से तो वो चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, वो इसके लिए आज़ाद हैं पूरी तरीके से। और BCCI सचिव ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल 1 जून तक है और कोचिंग स्टाफ के अन्य सदस्य जैसे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच का जो चयन होता है वो नए हेड कोच के अपॉइंटमेंट के बाद किया जाएगा। ये बात जय शाह ने बताई। और उन्होंने कहा कि विदेशी कोच को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया को नया फॉरेन कोच मिल सकता है, क्या विदेशी खिलाड़ी कोई भारतीय टीम का हेड कोच बन सकता है, क्योंकि पिछले 3 बार से भारत में स्वदेशी कोच यानी भारतीय कोच ही हो रहे हैं। डंकन फ्लेचर के बाद अनिल कुंबले हेड कोच बने, फिर उसके बाद रवि शास्त्री को कोचिंग का जिम्मा मिला और रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ कोच बने, तो तीनों भारतीय कोच थे। और अब ये सवाल पूछा गया क्या अब 3 बार से क्योंकि विदेशी कोच हैं, भारतीय कोच हैं और भारतीय कोचेस की अगुवाई में भी भारतीय टीम कोई ICC टाइटल नहीं जीत पाई। जो पिछला ICC टाइटल भारत जीती थी वो दोनों विदेशी कोच के अंडर ही जीती थी, गैरी कस्टन की कोचिंग में 2011 में और 2013 में डंकन फ्लेचर की कोचिंग के अंडर में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो इसीलिए सवाल उठा कि क्या इस बार BCCI फॉरेन कोच की तलाश कर सकती है, तो इस पर जय शाह का साफ बयान था कि मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, भारतीय कोच होगा या विदेशी कोच होगा इसका फैसला CAC करेगी, CAC यानी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, क्रिकेट सलाहकार समिति जो BCCI की है वो इसका फैसला करेगी और वही तय करेगी कि भारतीय कोच की जरूरत है या विदेशी कोच की जरूरत है। तो ये जय शाह ने एक अहम बयान दिया और उन्होंने ये कंफर्म भी कर दिया कि जून तक ही राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के हेड कोच रहेंगे। अगर उन्हें हेड कोच फिर से बनना है तो उन्हें आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि राहुल द्रविड़ दोबारा से आवेदन करें क्योंकि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर BCCI ने आपस में मंथन किया और तय किया कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी ने वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। भारत ने 11 में से 10 मैच जीते थे, सिर्फ एक फाइनल मुकाबला भारतीय टीम हारी थी और वर्ल्ड कप के ठीक 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होना था, इसीलिए BCCI ने तय किया था कि अभी हम मैनेजमेंट से कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रोहित शर्मा विल बी कैप्टन और राहुल द्रविड़ विल बी हेड कोच और ये पेयर जो है यही कंटिन्यू करेगा T20 वर्ल्ड कप तक। अब T20 वर्ल्ड कप जून में है वेस्टइंडीज और USA में, तो T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत को नए कोच की तलाश करनी होगी, इसीलिए अब प्रोसेस जो है जय शाह शुरू करने जा रहे हैं। BCCI प्रक्रिया शुरू करेगी, आवेदन मांगेगी, जो भी हेड कोच बनना चाहते हैं पूर्व खिलाड़ी वो आवेदन करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया BCCI तय करेगी, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी क्राइटेरिया तय करेगी कि कितना अनुभवी होना चाहिए खिलाड़ी और उस क्राइटेरिया के आधार पर नए हेड कोच का सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसमें नया हेड कोच कौन होगा ये तलाश तो बहुत अहम है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट चाहे जो हो, राहुल द्रविड़ का कार्यकाल तो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में और 2025 में ही WTC फाइनल भी है, तो दोनों अहम ICC टूर्नामेंट्स हैं, ICC फाइनल्स हैं, तो उसमें भारत के नए हेड कोच की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता है फिर तो नए कोच के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी होगी ICC ट्रॉफी दिलाने की। तो नए हेड कोच का जिम्मा कौन संभालेगा, क्या विदेशी कोच फिर से BCCI चाहेंगी, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी क्या BCCI जो है वो नए विदेशी कोच की ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद BCCI रोहित शर्मा के भविष्य पर भी फैसला करेगा। क्या रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के बाद कंटिन्यू करेंगे या फिर उन्हें किसी एक फॉर्मेट को अलविदा बोलना पड़ेगा।